फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ईएपी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेसन 45 जहां पर हम देखेंगे कि आखिर टेंस क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें और टेंस में टोटल कितने कॉलम होते हैं। तो आपने पहले देखा होगा कि मैंने आपको हर एक कॉलम अलग अलग करके पढ़ाया हुआ है। आप उन्हीं सारे कॉलम्स को एक साथ कर लेते हैं और एक साथ इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी होती है ये सारी चीजें हम लोग देखने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएं और कैसे प्रैक्टिस करनी होगी ये सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप ध्यान से देख सकते हो कि मैंने आपके सामने पूरे के पूरे 12 कॉलम लिख के रखे हुए। हर एक कॉलम की जो पहचान होती है ना वो अलग ही होती है। किसी भी कॉलम की पहचान दूसरे कॉलम से मैच कर जाए ऐसा नहीं होता। हर एक कॉलम की पहचान अलग होगी, उसकी हेल्प नंबर अलग होगी, उसको बनाने के तरीके अलग होंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि हमारा जो टेंस है ना वो तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। और इन सब के अलग से चार प्रकार होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो चाहे बात प्रेजेंट की हो, पास्ट की या फ्यूचर की, सबके अलग से चार प्रकार होते हैं और सबकी पहचान अलग होती है, बनाने के तरीके सबके अलग होते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्या इंडेफिनिट की। तो हमारे इंडेफिनिट कितने होंगे, तीन होंगे, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। और तीनों की पहचान मैंने यहाँ पर लिखी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है ती है ते हैं, पास्ट में ता था ती थी ते थे या फिर आ ई ए, और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है हमारा गा गी गी। और ये सारी चीजें हमारे वर्ब के साथ में जुड़कर आएगी। अगर बात प्रेजेंट सिंपल की चीज है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन जैसे ही बात नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हो जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें क्या रखना होगा, प्लूरल। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट चाहे जो भी रहा हो सबके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जैसे ही बात नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हो गई तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, डिड। और अगर बात फ्यूचर की जा रही है तो गागी की इसकी पहचान होगी जो कि वर्ब के साथ में जुड़ के आएगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या शैल। जहां पर हमें शैल का यूज ग्रामर को देखने के लिए करना होगा, यानी अगर बात ग्रामर की जा रही है तो आई और वी के साथ आप शैल लगाएं, और अगर बात ग्रामर की ना करें स्पीकिंग की करें तो आप सभी जगह विल का यूज कर सकते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर हमने किसी को धमकी दी है, बात हमारी पक्की हो या फिर किसी से हमने प्रॉमिस किया है तो विल की जगह शैल और शैल की जगह विल होता था। लेकिन हम बात स्पीकिंग की करें तो आपको सारे सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ विल का यूज हर एक कॉलम में करना होगा। और इसी तरीके से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कंटीन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। और तीनों की पहचान देखिएगा, प्रेजेंट में क्या हो गया, रहा है, रही है, रहे हैं, पास्ट कंटीन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे, और फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान क्या, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में हमें विल बी या शैल बी का यूज करना है। और अगर वर्ब की फॉर्म की बात की जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें सभी जगह वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें यूज करनी होगी। कॉलम चाहे कंटीन्यूअस का कोई भी हो, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, सभी जगह वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगने वाली है। और अगर बात करें परफेक्ट की तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, इनकी सबकी पहचान आप देख सकते हो क्या लिखी मैंने, चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर आ है, ई है, ए है। पास्ट की बात करें तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ये थी। और फ्यूचर की बात की जाए तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा या फिर आ होगा, ई होगी और ए होगी। ये तो हमारी पहचान होगी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हमें क्या रखना होगा, हैज हैड, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में हमें क्या रखना होगा, विल हैव या फिर शैल हैव। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी जाएगी, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में सभी जगह आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। अब बात करते हैं क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जहां पर आप देख सकते हो इसकी पहचान क्या लिखी मैंने, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, या एक पहचान आप ध्यान से देखिएगा मैंने वहां पर लिखा है क्या, ता रहा है, तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे। जैसे मैंने आपसे कहा कि वह खेलता रहा है, माइंड आपको ये करना है कि जो से शब्द था ना वो समय के साथ में जुड़ के आएगा, और समय के साथ में जुड़ कर आने पर से की अंग्रेजी बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हमें सेंस रखना होगा या फिर हमें फॉर का यूज करना होगा। और सेंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और पीरियड ऑफ टाइम होने पर उसके साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर का यूज करते हैं। पास्ट की बात करते हैं तो पहचान से रहा था, से रही थी, से रहे थे, या फिर तक रहा, तक रही, तक रहे। यहाँ पर हमें सेंस फॉर टिल इस समय के साथ ऐड करके रखना होगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हमारी क्या होगी, हैड मेन, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाएगी, आईएनजी फॉर्म। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, या फिर तक रहा होगा,
ये पहचान होगी हमारी किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन का यूज किया जाएगा, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी होगी हमें, आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर आपको माइंड करना होगा कि आपको सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करना होगा, यानी अगर बात पॉइंट ऑफ टाइम की जा रही है तो आपको सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करना है, और अगर तक लिख के आ जाए पॉइंट ऑफ टाइम हो तो आप टिल लगा दीजिए, और फ्रेंड्स अगर बात पीरियड ऑफ टाइम की हो तो चाहे वहां पर से लिखा हो और चाहे तक लिखा हो, दोनों ही कंडीशन में हमें फॉर का यूज करना होगा। अभी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये प्रीवियस लेशन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लेशन में मैंने आपको बताया है। अगर आपको बात समझ में नहीं आई हो तो आप जाकर उस लेशन को देख लीजिए, आपको सारी बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आप प्रैक्टिस की, तो आपने देखा होगा मैंने हर कॉलम में आपको पूरे के पूरे 6 स्ट्रक्चर लिख के बताए हैं, और उनमें प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बताया है। आज आपको क्या करना है कि आपको सिंपल सेंटेंस लेना है, तो आपको पूरे के पूरे 12 सिंपल सेंटेंस कंप्लीट करने होंगे। पहले तीनों इंडेफिनिट बोलिए, फिर कॉन्टिन्यूअस बोलिए, उसके बाद परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्रेंड्स पहले बात करते हैं क्या सिंपल सेंटेंस की, आपको पूरे के पूरे 12 सिंपल सेंटेंस बोलने होंगे। कुछ इस प्रकार से समझिएगा, यू टीच, यू टॉट, यू विल टीच, यू आर टीचिंग, यू आर टीचिंग, यू विल बी टीचिंग, यू हैव टॉट, यू हैव टॉट, यू विल हैव टॉट, यू हैव बीन टीचिंग, यू हैव बीन टीचिंग एंड यू विल हैव बीन टीचिंग। समय के अकॉर्डिंग अब सिंस फॉर्टेंस जो जैसा लग रहा था उसको आप ऐड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्या नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, he doesn't play, he didn't play, he won't play, he isn't playing, he wasn't playing, he won't be playing, he hasn't played, he hadn't played, he won't have played, he hasn't been playing, he hadn't been playing and he won't have been playing। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो मुझे कैसे बोलना पड़ता कि does she come, did she come, will she come, is she coming, was she coming, will she be coming, has she come, had she come, will she have come, or has she been coming, had she been coming, will she have been coming। अगर बात हमने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस की होती तो कुछ इस प्रकार से मुझे सेंटेंस बोलना पड़ता कि doesn't mummy cook, didn't mummy cook, won't mummy cook, isn't mummy cooking, wasn't mummy cooking, won't mummy be cooking, hasn't mummy cooked, hadn't mummy cooked and won't mummy have cooked, hasn't mummy been cooking, hadn't mummy been cooking and won't mummy have been cooking। इसी प्रकार से आपको WH word भी यूज करनी होगी, कभी what, कभी how, कभी why, कभी where, किसी भी प्रकार का WH word हो आपको सारे WH word के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। एक एग्जांपल सुनिएगा कि why do you learn English, why did you learn English, why will you learn English, why are you learning English, why were you learning English and why will you be learning English, why have you launched English, why had you launched English and why will you have launched English, why have you been learning English for 2 days, आप 2 दिनों से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। आपको हिंदी नहीं बोलनी होगी, मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया, आपको सिर्फ सेंटेंस बोलनी होगी। तो why have you been learning English for 2 days, why had you been learning English and why will you have been learning English। इस तरीके से WH के साथ आप नेगेटिव भी जोड़ सकते हैं कि why don't you play, why didn't you play, why won't you play, why aren't you playing, why weren't you playing and why won't you be playing, why haven't you played, why hadn't you played, why won't you have played, why haven't you been playing, why hadn't you been playing and why won't you have been playing। तो सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH और WS के साथ भी नेगेटिव, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि बोलते समय आप बिल्कुल भी अटके नहीं, आपको सोचना ना पड़े कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ये भी ना सोचना पड़े कि आखिर ये सेंटेंस हमारा कहाँ का था और इसकी अंग्रेजी हम क्या बनाए। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में, सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।